गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद में आपको स्पेशली एक वीडियो बनाया गया क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का, और इसी तरह से ये वीडियो जो है ये है एग्जांपल नंबर 17 के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 17 करवाऊंगा। देखो, मैं एग्जाम्पल नंबर 17 बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ आप अपनी बुक में भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17 का मैं पहला भाग ले रहा हूँ। लिखिए, क्या आपको एक प्राचालिक समीकरण गिवन है कि x इज इक्वल साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1+t² एंड y इज इक्वल कोस इनवर्स 1-t² अपॉन में 1+t². ठीक है, आप भली भांति जानते हैं कि 2 tan inverse x के तीन प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, tan के पदों में, sin के पदों में और cos के पदों में। मैं sin और cos वाले लिख रहा हूं। यहां देखो, 2 tan inverse बराबर होता है sin inverse 2x अपॉन में 1+x² पढ़ा होगा आपने, और 2 tan inverse c बराबर होता है किसके, cos inverse 1-x² अपॉन में 1+x². तो आपके क्वेश्चन में जो x और y की जो वैल्यूज है इन फॉर्मूलों से मिलती जुलती हैं। तो इसको देख करके आप ये बताइए कि किसका फॉर्मूला 2 tan inverse x, x के स्थान पर t आ गया, तो आप लिखोगे सर हमारे को जो x दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 2 tan inverse t के बराबर है, और y भी जो है हमारा 2 tan inverse t के बराबर है। अब आप कहेंगे सर dx/dt निकालिए, कितना आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स का किया 1/(1+x²)t² और यहां देखिए dy/dt 2 × 1/(1+t²। अब आप क्या करेंगे, dy/dx के लिए dy/dt के अंदर भाग देंगे आप dx/dt का। तो आप कहेंगे सर dy/dt और dx/dt दोनों ही बराबर है, जब दोनों को भाग देंगे तो भाई आंसर कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो ये हो गया आपके पास में एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम करेंगे एग्जाम्पल 17 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 17 का सेकंड पार्ट। तो देखिए बेटा, आपको फिर एक प्राचालिक समीकरण गिवन है कि x बराबर 3at अपॉन में 1+t³ एंड y इज इक्वल 3at² अपॉन में 1+t², ठीक है, सॉरी t³ है बेटा। तो देखो, प्राचल कौन है बेटा, t, x और y किस पे निर्भर कर रहे हैं, t पर, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। तो dx/dt यहां पर मेथड लगेगा u/v, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, और v को ही छोड़ना क्या है, अनिवार्य है। अब u का अवकलन हुआ, 3a कांस्टेंट है, t का 1 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, u को छोड़ दिया, 3at को छोड़ दिया, v का करेंगे, v में जाएंगे 1 का 0 और t³ का हो गया 3t². नाउ dx/dt इज इक्वल, आप कहेंगे कि सर यहां पर कॉमन आ रहा है 3a, चलो अपने 3a कॉमन ले लेते हैं। ले लिया बेटा आपने 3a कॉमन, अब बताओ क्या रह गया आपके पास, यहां तो रह गया 1+t³ और यहां रह जाएगा आपके पास में माइनस का t था, 3t² से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3t³ अपॉन में 1+t³ का होल स्क्वायर, देन 3a 1-2t³ अपॉन में 1+t³ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास में dx/dt। इसी तरह से आप निकालिए dy/dt, तो आप कहेंगे सर dy/dt क्या हो जाएगा, इसके लिए भी u/v मेथड लगेगा, वही बात, v का स्क्वायर और v को ही छोड़ना क्या है, अनिवार्य है। अब फिर किसका होगा, u का, तो t² का आ जाएगा 2t³, ये कांस्टेंट था, फिर माइनस, अब की बार u को छोड़ दो, 3at² को छोड़ दो, v का करेंगे 1 का 0, 3t². नाउ dy/dt क्या कॉमन आ रहा है बताइए, आप कहेंगे सर 3a कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो 2t का, ठीक है,
टू टी का, उससे पहले काम और करो ना आप, एक टी और कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया थ्री ए टी, थ्री ए भी चला गया टी भी चला गया, तो आपके लिए टू रह गया, टू प्लस टू टी की पावर तीन माइनस, अब यहां से थ्री ए चला गया, एक टी है बेटा, उसका गुणा करेंगे थ्री टी स्क्वायर से, तो माइनस टी क्यूब, थ्री टी क्यूब अपॉन में वन प्लस टी की पावर थ्री का होल स्क्वायर। अब रिमेनिंग आउट आप कहेंगे सर थ्री ए टी, क्या रिमेनिंग आ रहा है बेटा बोलो, आप कहेंगे सर टू माइनस टी की पावर तीन अपॉन में वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट, सॉरी अपने को फाइंड करना है डीवाई अपॉन डीएक्स, इसके लिए हम डीवाई अपॉन डीटी के अंदर डिवाइड करेंगे डीएक्स अपॉन डीटी का। तो देखो डीवाई अपॉन डीटी को, सॉरी डीएक्स अपॉन डीटी को देख लो और डीवाई अपॉन डीटी को देख लो, दोनों में हर समान है कि नहीं है, तो हर से तो हर कट गया, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिए इसका न्यूमिनेटर, डीवाई डीटी का कितना है 380 एंड 2 माइनस टी की पावर 3 एंड आपके पास में डीएक्स अपॉन डीटी का जो न्यूमिनेटर है वो क्या है 3a से 3a कैंसिल, तो बेटा ये आपके पास में आ गया है फाइनल आंसर, ये लो जी 1 माइनस टू टी क्यूब इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो ये था एग्जांपल 17 का सेकंड पार्ट, देख लीजिए बेटा आप। चलो अब हम करते हैं एग्जांपल 17 का तीसरा भाग करेंगे, देखो एग्जांपल 17 का पार्ट नंबर 3। देखिए क्या गिवन है, एक्स बराबर ई की पावर थीटा प्लस थीटा प्लस वन अपॉन थीटा एंड वाई इज इक्वल ई की पावर माइनस थीटा एंड थीटा माइनस वन अपॉन थीटा। तो आप कहेंगे एक्स और वाई दोनों किस पे निर्भर कर रहे हैं, थीटा पर, तो प्राचल का काम कौन करेगा, थीटा। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल यू इंटू वी मेथड, ई की पावर थीटा यानी यू का किया ई की पावर थीटा का, ई की पावर थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा वन अपॉन सॉरी थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, ऐसे कैसा आ जाएगा, यानी यू का कर दिया वी को छोड़ दिया, अब प्लस का साइन आ जाएगा, अब की बात ई की पावर थीटा यानी यू को छोड़ देंगे, वी का करेंगे थीटा का वन हो गया, वन अपॉन थीटा हो गया माइनस वन अपॉन में थीटा स्क्वायर। आप कहेंगे सर नाउ कॉमन ई की पावर थीटा देन वन थीटा प्लस वन अपॉन थीटा प्लस वन माइनस वन अपॉन में थीटा स्क्वायर, टेक एलसीएम थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा की पावर तीन प्लस थीटा प्लस वन सॉरी थीटा स्क्वायर एंड माइनस वन, ठीक है, ये तो आ गया डीएक्स अपॉन डी थीटा। अब हम फाइंड करेंगे डीवाई अपॉन डी थीटा, डीवाई अपॉन डी थीटा वही यू इंटू वी मेथड, ये यू हो गया और ये ब्रैकेट आपके पास में वी हो गया, ई की पावर माइनस थीटा का माइनस ई की पावर माइनस थीटा एंड थीटा माइनस वन अपॉन थीटा को छोड़ दिया प्लस ई की पावर माइनस थीटा को छोड़ दिया, फिर हम ब्रैकेट के अंदर गए यानी वी का करेंगे थीटा का वन और माइनस वन अपॉन थीटा सॉरी वन अपॉन थीटा हो जाएगा माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आप कहेंगे सर ई की पावर थीटा कॉमन हियर एंड माइनस थीटा एंड प्लस वन अपॉन थीटा प्लस वन अपॉन में थीटा स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, व्हाट एलसीएम थीटा स्क्वायर, तो ये रहेगा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये डीवाई अपॉन डी थीटा आ गया, ये डीएक्स अपॉन डी थीटा आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या फाइंड करने के लिए डीवाई अपॉन डीएक्स, तो डीवाई अपॉन डी थीटा के अंदर भाग देना पड़ेगा डीएक्स अपॉन डी थीटा का। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों में बेटा हर बराबर है तो वो तो कट जाएगा, थीटा स्क्वायर कट गया, जो भी रिमेनिंग है लिख दो आप यहां पर ई की पावर माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन अपॉन में, यहां देखिए क्या है e की पावर थीटा एंड थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस वन, दैट्स फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 17। तो हमने अभी प्रश्नावली पूरी की है 7.4 जिसमें क्या टॉपिक था कि प्राचालिक समीकरणों का अवकलन करना। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 7.5 पर जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि के अवकलज, यानी अब तक आपने अवकलन एक बार किया, 7.5 में अवकलन दो बार किया जाएगा। इसको देख लीजिए पहले आप, तो अब हमारे पास टॉपिक आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए, तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि x की पावर 20, ठीक है, मैंने एक फलन लिया। अब सुनो, जब आप एक बार अवकलन करते हो dy बटा में dx, बेटा इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो, आप लिखते हो dy अपॉन में dx, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम कोटि का अवकलज। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम कोटि का अवकलज, यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो वाई डैश वाई वन, ठीक है, और बड़ी क्लासों में आप जाओगे तो इसको बेटा वाई डॉट कहना भी स्टार्ट कर देंगे, वाई को इस पर डॉट लगा हुआ आएगा। जब आप बीएससी में जाएंगे तब की बातें हैं ये, अभी तक अपने सिर्फ ये दो ही चीज पढ़ेंगे। अगर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वेयर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि आपने डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन किया है एक बार दोबारा एक्स के सापेक्ष। जब डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन एक बार दोबारा करेंगे आप एक्स के सापेक्ष, तो इसको बोलेंगे हम द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या बोलेंगे? द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, इसको हम वाई डैश डबल डैश भी बोलते हैं और y2 भी बोलते हैं। ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी dy बटा dx का अवकलज x के सापेक्ष दोबारा करना। अब देखो, x की पावर 20 लिया मैंने, तो आप कहोगे सर इसका अवकलन करो, कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 19 हो गया। अब दोबारा जब करोगे तो उसको लिखा जाएगा डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वेयर। बेटा प्लीज ध्यान से देखिए, डी वाई स्क्वेयर बटा में डी एक्स स्क्वेयर मत कर देना, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ये तो कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 19 का किया, 19 इंटू एक्स की पावर 18, 19 का 20 से गुना किया तो 380 गुना में एक्स की पावर 18। अवकलन करने के तरीके वही है, फॉर्मूले वही है, बस इतना सा चेंज हो गया कि अब तक आपने अवकलन एक बार किया था, अब आपको अवकलन दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आज ये मान लीजिए कि आपका 7.4 तक कंप्लीट हो गया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मैंने आपको जानकारी दे दी, जो अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।